एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल मन्नू ठाकुर स्टडी वाला में। और आज का ये वीडियो है जो मेरा पहला लेक्चर वीडियो होने वाला है मेरे चैनल पे, जिसमें हम बात करेंगे जो 10th क्लास का जो पहला चैप्टर है लाइफ प्रोसेस बायोलॉजी का, उससे रिलेटेड हम आज बात करने वाले हैं। इस चैप्टर में हम बेसिकली अभी स्टार्टिंग में हम पढ़ेंगे कि जो हमारा कोई भी चीज है, जैसे हम लाइव और अलाइव किसे कहते हैं, जो चीज जिंदा है या मरी हुई है, अलाइव है या डेड है, वो हम कैसे कहते हैं, और जो लिविंग थिंग्स होते हैं उनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं कि जिसकी वजह से किसी भी चीज को हम लिविंग थिंग कह सकते हैं कि ये चीज लिविंग है, उनके कुछ पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन के बारे में, न्यूट्रिशन कितने तरीके के, मतलब न्यूट्रिशन क्या होता है, कितने तरीके के डिफरेंट कौन से न्यूट्रिशन होते हैं, और जो अलग अलग तरीके के न्यूट्रिशन शो करते हैं, जो मतलब अलग अलग तरीके के मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन दिखाते हैं जो ऑर्गेनिज्म, उनके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि जो हमारा चैप्टर का नाम है वो है लाइफ प्रोसेस, यानी कि सबसे पहले जो चैप्टर का नाम है उसका हमें पहले मतलब पता होना चाहिए, जैसे कि लाइफ प्रोसेस क्या है। लाइफ प्रोसेस, लाइफ मीन जिंदगी, प्रोसेस यानी कि कोई भी काम या फंक्शन। तो जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म या कोई भी ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने आप को अर्थ पर सर्वाइव करने के लिए, यानी अपने आप को अर्थ पर सर्वाइव कराने के लिए जो भी बेसिक फंक्शन करते हैं वो सभी हमारे लाइफ प्रोसेस में आते हैं, जैसे कि न्यूट्रिशन है, ग्रोथ है, रिप्रोडक्शन है, और बहुत से जो प्रोसेस होते हैं वो सब हमारे लाइफ प्रोसेस में आते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं जो कोई भी चीज जैसे लिविंग है या नॉन लिविंग है उसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। बायोलॉजी की छोटी सी डेफिनेशन है, अगर कोई भी चीज अगर मूवमेंट शो करती है, किसी भी तरह का अगर वो मूवमेंट शो करती है तो उसे हम लिविंग थिंग कह सकते हैं, और जो कोई भी चीज अगर लिविंग नहीं है यानी कि वो मूवमेंट शो नहीं करेगी। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं कि कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं लिविंग थिंग के, कोई भी अगर लिविंग थिंग है तो उसके कोई स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जिसकी वजह से हम उसे कह सकते हैं कि वो चीज लिविंग है। तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे कि ये लिविंग थिंग है वो अपने आप मूव कर सकते हैं, वहीं पे अगर नॉन लिविंग थिंग है वो अपनी जगह से मूव नहीं कर सकती विदाउट एनी एक्सटर्नल हेल्प। ओके, जो लिविंग थिंग, और दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि जो लिविंग थिंग्स को एनर्जी की जरूरत होती है, जो कि हमें फूड, वाटर, एयर, इन सबसे मिलती है। उसके बाद जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि जो ग्रो करते हैं, ये कैन ग्रो कर सकते हैं और सेंसिटिव होते हैं नेचर में, और रेस्पायर कर सकते हैं, एक्सक्रीट कर सकते हैं, रिप्रोड्यूस हो सकते हैं। जो एनर्जी की जरूरत होती है, यानी कि अगर हम एक जगह से दूसरी जगह पर जा रहे हैं, यानी कि ऑब्वियस सी बात है हमें एनर्जी की जरूरत होगी, हम बिना एनर्जी के वो काम नहीं कर सकते। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म को जो फूड है, फूड एज अ फ्यूल काम करता है, जैसे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को एनर्जी चाहिए होती है हर एक फंक्शन करने के लिए, तो उसके लिए जो फूड है एज अ फ्यूल काम करता है, एनर्जी सोर्स होता है जो हमारा फूड है, एक तरह से एनर्जी सोर्स होता है। ठीक है, हम बात करते हैं कि न्यूट्रिशन है क्या। न्यूट्रिशन बेसिकली एक प्रोसेस है जिसके जरिए जो हम इनटेक करते हैं, यानी कि न्यूट्रिएंट्स को अपने अंदर लेते हैं, मतलब खाते हैं, और उसके बाद उसे यूटिलाइज करते हैं प्रॉपरली। ठीक है, तो इसको हम डिफाइन करना चाहते हैं, कहते हैं प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स एज वेल एज द यूटिलाइजेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स बाय एन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो ये न्यूट्रिशन में एक टर्म है न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स बेसिकली क्या होता है, जो भी सब्सटेंस है ना, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जो हम अपनी सराउंडिंग्स में से लेते हैं, या हमें जो सराउंडिंग्स से जो मिलते हैं, जो कि हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी है अर्थ पर। ठीक है, तो वो सभी मटेरियल्स और सब्सटेंस जो हमें अपनी सराउंडिंग से मिलते हैं, जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को बायोसिंथेसिस यानी कि फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गन्स, टिश्यू, इसके लिए बहुत जरूरी होते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं जो न्यूट्रिशन है वो दो तरीके में डिवाइड किया, मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, वो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड हेटरोट्रॉपिक। मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन बेसिकली होता है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म अपना फूड किस तरीके से ऑब्टेन करता है। ठीक है, उस प्रोसेस को, जो मेथड होता है जिससे वो ऑब्टेन करता है अपना फूड, उसे हम बोलते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, जो डिवाइड किया है दो पार्ट्स में, ऑटोट्रॉपिक एंड हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक में क्या होता है, जो ऑटो मींस होता है सेल्फ, यानी कि वो ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सिंपल इनऑर्गेनिक मैटर। ओके, जो अपना खाना खुद बना सकते हैं सिंपल इनऑर्गेनिक मैटर के थ्रू या मटेरियल्स के थ्रू, तो वो हमारे ऑर्गेनिक यानी कि ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं वो ऑर्गेनिज्म। जो हेटरोट्रॉपिक कौन से होते हैं, हेटरोट्रॉपिक जो दूसरों पर डिपेंड रहते हैं, और जो सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है उससे अपना खाना नहीं बना सकते हैं। ठीक है, जैसे कि एक एग्जाम्पल लेते हैं कि कोई आपसे कहे कि हम आपको कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं,
वाटर देते हैं और सनलाइट देते हैं, आप हमें ग्लूकोज बना के दीजिए, आप वो काम नहीं कर सकते क्योंकि वो काम प्रोड्यूसर्स ही, यानी कि ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वालों का है, यानी कि जो प्लांट्स हैं वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को ऑर्गेनिक सब्सटेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे कि वो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर प्लस सनलाइट के थ्रू फोटोसिंथेसिस से ग्लूकोज का फॉर्मेशन कर सकते हैं, लेकिन जो हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो ऑर्गेनिज्म शो करते हैं वो ये काम नहीं कर सकते। जो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं उन्हें हम प्रोड्यूसर्स भी बोलते हैं क्योंकि वो प्रोड्यूस करते हैं खाना ग्लूकोज, ठीक है। उसका जो हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं उन्हें हम कंज्यूमर्स बोलते हैं, जिसमें हम भी आते हैं। जो ऑटोट्रॉपिक के जो एग्जांपल हैं वो ग्रीन प्लांट्स, एल्गी, फाइटोप्लांक्टन्स, एंड जो हेटरोट्रॉपिक के जो एग्जांपल हैं वो एनिमल्स, फंगी, बैक्टीरिया, ईस्ट एक्सेट्रा। तो जो हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, वो है सेप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक एंड हेटरोजाइट मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। और जो सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो ऑर्गेनिज्म शो करते हैं उनका मतलब जो ऑर्गेनिज्म अपना खाना या न्यूट्रिशन जो डेड एंड डिकिंग मैटर होता है उससे अगर अपना न्यूट्रिशन लेते हैं तो वो अपना सेप्रोफाइटिक और सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं, ठीक है। तो मतलब ये इन्हें हम डिकम्पोजर्स भी बोलते हैं क्योंकि इनका जो बेसिकली काम जो होता है कि जो ऑर्गेनिक मैटर यानी कॉम्प्लेक्स मैटर जो डेड एंड डिकिंग जो मैटर होता है उसमें प्रेजेंट होता है उसे सिंपल फॉर्म में ब्रेक डाउन कर देते हैं आउटसाइड द बॉडी, ठीक है। इनके जो एग्जाम्पल है वो है कि ईस्ट है, मशरूम है, ये सब अपना न्यूट्रिशन कहाँ से लेते हैं, जो डेड एंड डिकिंग मैटर होता है उससे लेते हैं। जो ऑर्गेनिज्म डेड एंड डिकिंग मैटर पे अपना न्यूट्रिशन लेता है उससे जो न्यूट्रिशन लेता है उन्हें हम सेप्रोफाइट्स बोलते हैं। उसके बाद जो दूसरी कैटेगरी है वो पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में ये होता है कि जो ऑर्गेनिज्म अपना फूड है या न्यूट्रिशन है वो एक दूसरी लिविंग जो अनदर लिविंग बॉडी होती है उससे लेते हैं अपना विदाउट किलिंग इट, उसे मारते नहीं है लेकिन जो न्यूट्रिशन उसी से लेते हैं अपना, जो उसके ऊपर रहते हैं लेकिन उसे मारते नहीं है, ठीक है। इसका एग्जांपल क्या है अपना जो प्लाज्मोडियम है, कैस्केडा जिसे अपन मनपीज बोलते हैं, और जो बहुत से एग्जाम्पल है जिन जो क्या करते हैं जो पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं, ठीक है। जो ऑर्गेनिज्म जो पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं उन्हें हम पैरासाइट्स बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद जो आता है हमारा तीसरा है होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है कि जो ऑर्गेनिज्म कॉम्प्लेक्स फूड को इंजेस्ट यानी कि अपने खाते हैं और उसे डाइजेस्ट करते हैं, सिंपल फॉर्म में ब्रेक डाउन करते हैं, उसके बाद जो ब्रेक डाउन होने के बाद जो एनर्जी उस मिलती है उसे अपनी बॉडी सेल्स यानी कि बॉडी में एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो वो कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपली अपने अंदर डाइजेस्ट करते हैं और उससे जो ग्लूकोज और जो सब्सटेंस मिलता है उसे अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो इनका जो एग्जांपल है वो कौन से ह्यूमंस हैं, एनिमल्स हैं, और ये बहुत से एग्जांपल हैं जो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो कराते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे पर स्पेशल पार्ट अपना कि हवा और पानी भी चाहिए जीने को, केवल सांसों से कुछ नहीं होगा, पढ़ना है तो समझ के पढ़ो, रटने से काम नहीं होगा, याद रखना है कुछ अगर तो एक बार नहीं 100 बार पढ़ो, याद रखना है अगर कुछ तो एक बार नहीं 100 बार पढ़ो, एक बार में हमेशा को याद ना चिन्हा ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, घर वालों को खुश रखिए और पढ़ते रहिए।